89 नंबर को विड्रॉ करना है मालूम सर, विड्रॉ करना है, मैं रिस्पॉन्डेंट हूँ उसमें। हमारी एक आईए पेंडिंग है 16/12/2019 एक मिनट, इसमें हाँ इसी में, इसमें क्या है नंबर वन की डेथ हो गई, इसको काट दे बस हमें कुछ नहीं, ये अरे आपकी तो कोई आपत्ति वैसे भी नहीं होना चाहिए। नहीं आपत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या होगा कि हम रेलवे क्लर्क ट्रिब्यूनल से जीते हैं, अवार्ड इनको डिपॉजिट करना है, अब वो क्या करेंगे कि जो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट के लिए हमको कहेंगे कि आप सक्सेशन लाइए, तो वो डिलीट बस कर दे हमें कोई प्रॉब्लम। मैं डेथ सर्टिफिकेट और आईए पेश करी है 16/12/2017 से पेंडिंग है, ये आईए है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम डिलीट करना है, नाम डिलीट करना अभी काट देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन का? नंबर वन का एप्लीकेंट नंबर वन का श्री बबन सिंह, बबन सिंह का। कौन सा आईए आपका? मेरा सर आईए नंबर है 15867। बन माइक पे आइए, 15867 एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन डायरेक्शन लगी थी वहां पे उसके साथ में, फिर डिलीट कर दे। नाम काटने का आवेदन इतना बड़ा होता है सर? वो पूरा लिखा है जैसे, ये तो स्टे वैकेट करने का है, स्टे वैकेट करने का, डिलीट कर दिया, डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया सर। आप समझते नहीं है, नहीं हम समझते। इसमें प्रेयर क्या है? प्रेयर हमारी है कि देखो ये पढ़िए, इट इज देयर फॉर रिस्पोंडेंट क्लेमेंट्स हम्बली रिक्वेस्ट टू माय लॉर्ड, मे काइंडली बी प्लीज टू वैकेट द इंट्रीम ऑर्डर डेटेड 24/7/2007 एंड बी प्लीज टू राइट रिस्पोंडेंट टू डिपॉजिट द एंटायर अवार्ड अमाउंट एट लाख रुपए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये प्रेयर है, इसके साथ अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट। समझते ही नहीं है थोड़ा बहुत? नहीं हम समझते हैं, आप समझते हो तो मुझे समझाइए फिर ना, तो जब हमने इनको या तो इसका मतलब कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? आप ऐसे समझाइए कि मैंने जो प्रेयर मांगी है वो आप मुझे दे दीजिए, आपने वो प्रेयर नहीं मांगी, और जो आप इनका स्टे वैकेट करने के निवेदन कर रहे हैं, ये पिटीशन जैसे ही इनकी खारिज होगी मैं इनका आईए वैसे ही खारिज करने वाला हूँ। इनकी आईए जो स्टे जिसमें मिला था, प्रेयर नहीं है तो मैं नहीं दे रहा, क्या गलत कर रहा हूँ? और आपको जो प्रेयर मांगी है वो दे रहा हूँ, कोई लिबर्टी नहीं। ये पिटीशन खारिज होगी, सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे, दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन सर एक बढ़ जाएगा वहाँ पर, तो सुनवाई कर रहे हैं सर, इनके सुनवाई का ही क्या आपत्ति कर रहे हैं? हाईकोर्ट को जरा ऐसे हाईकोर्ट की तरह समझा करो ना, आप लोग क्या समझते हो ये समझ नहीं आता। हाईकोर्ट को ऐसा थोड़ी बहुत तो इज्जत दो, आप तो ये काम कर रहे हो पटवारी के सामने बहस कर रहे हो, हमें कुछ आता ही नहीं है ऐसा मान के चल रहे हो। देखो हर्ड ऑन आइए 374/2023 डिसीजन एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ MA next one for the reasons mentioned in the application the same is allowed and the miscellaneous appeal is dismissed. 89 number को withdraw करना है मालूम सर, विड्रॉ करना है, मैं रिस्पॉन्डेंट हूँ उसमें। हमारी एक आईए पेंडिंग है 16/12/2019 एक मिनट, इसमें हाँ इसी में, इसमें क्या नंबर वन की डेथ हो गई, इसको काट दे बस हमें कुछ नहीं, ये अरे आपकी तो कोई आपत्ति वैसे भी नहीं होना चाहिए। नहीं आपत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या होगा कि हम रेलवे क्लर्क ट्रिब्यूनल से जीते हैं, अवार्ड इनको डिपॉजिट करना है, अब वो क्या करेंगे कि जो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट के लिए हमको कहेंगे कि आप सक्सेशन लाइए, तो वो डिलीट बस कर दे हमें कोई प्रॉब्लम। मैं डेथ सर्टिफिकेट और आईए पेश करी है 16/12/2017 से पेंडिंग है, आइए है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम डिलीट करना है, नाम डिलीट करना अभी काट देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन का? नंबर वन का एप्लीकेंट नंबर वन का श्री बबन सिंह, बबन सिंह का। कौन सा आईए आपका? मेरा सर आईए नंबर है 15867। बन माइक पे आइए, 15867 एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन डायरेक्शन लगी थी वहां पे उसके साथ में, फिर डिलीट कर दे। नाम काटने का आवेदन इतना बड़ा होता है सर, वो पूरा लिखा है जैसे, ये तो स्टे वैकेट करने का है, स्टे वैकेट करने का, डिलीट कर दिया, डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया सर। आप समझते नहीं है, नहीं हम समझते। इसमें प्रेयर क्या है? प्रेयर हमारी है कि देखो ये पढ़िए, इट इज देयर फॉर रिस्पोंडेंट क्लेमेंट्स हम्बली रिक्वेस्ट टू माय लॉर्ड, मे काइंडली बी प्लीज टू वैकेट द इंट्रीम ऑर्डर डेटेड 24/7/2007 एंड बी प्लीज टू राइट रिस्पोंडेंट टू डिपॉजिट द एंटायर अवार्ड अमाउंट एट लाख रुपए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये प्रेयर है, इसके साथ अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट। आप समझते ही नहीं है थोड़ा बहुत? नहीं हम समझते हैं, आप समझते हो तो मुझे समझाइए फिर ना, तो जब हमने इनको या तो इसका मतलब कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? आप ऐसे समझाइए कि मैंने जो प्रेयर मांगी है वो आप मुझे दे दीजिए, आपने वो प्रेयर नहीं मांगी, और जो आप इनका स्टे वैकेट करने के निवेदन कर रहे हैं, ये पिटीशन जैसे ही इनकी खारिज होगी मैं इनका आईए वैसे ही खारिज करने वाला हूँ। इनकी आईए जो स्टे जिसमें मिला था,
प्रेयर नहीं है तो मैं नहीं दे रहा, क्या गलत कर रहा हूँ? और आपको जो प्रेयर मांगी है वो दे रहा हूँ, कोई लिबर्टी नहीं। ये पिटीशन खारिज होगी, सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे, दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन सर एक बढ़ जाएगा वहाँ पे। हाईकोर्ट को जरा ऐसे हाईकोर्ट की तरह समझा करो ना, आप लोग क्या समझते हो ये समझ नहीं आता। हाईकोर्ट को ऐसा थोड़ी बहुत तो इज्जत दो। आप तो ये काम कर रहे हो, पटवारी के सामने बहस कर रहे हो, हमें कुछ आता ही नहीं है ऐसा मान के चल रहे हो। देखो हर्ड ऑन आइए 374/2023 डिसीजन एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ एम ए नेक्स्ट फॉर द रीजन मेंशन इन द एप्लीकेशन द सेम इज अलाउड and the miscellaneous appeal is dismissed